नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़। राजेंद्र नगर में जल जमाव के 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहां के हालात जो हैं वो काफ़ी भयावह है और यहां के लोग इसी पानी के बीच अपनी जो दिनचर्या है उसको गुजार रहे हैं। और किस तरह के हालात हैं और जल निकासी को लेकर के यहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, इससे बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब यहाँ से मोनुल के स्टेडियम के बगल में जब से साइंस सिटी बन रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे जो थे वो चैम्बर थे जिस चैम्बर को बंद कर दिया गया, जिससे राजेंद्र नगर की जल की निकासी नहीं हो रही है। कुछ लोगों से ही बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इसमें। सर, इधर जो है इस साइड जो यहाँ पे साइंस सिटी जो बन रही है उसमें एक 5-6 चैम्बर है, जो कि साइंस सिटी बनने के कारण इसमें चैम्बर सब भरा गया है और इसीलिए ये पूरा राजेंद्र नगर में पानी भरा हुआ। चैम्बर बंद हो जाने के बाद नाला का पानी पास नहीं हो रहा, इसीलिए इसमें साइंस सिटी के कारण ये चैम्बर है, जो चैम्बर ब्लॉक हो गया है और इसीलिए जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बाढ़ आ गया, नहीं तो पहले ऐसा बारिश हुआ करता था, इससे ज़्यादा बारिश हुआ करता था तो पानी ऐसा जमता नहीं था, पानी तुरंत निकल जाता था, लेकिन इसीलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। लोग यहाँ बाढ़ के कारण खाने पीने के लिए तरस रहे, लोग कितने गंदगी हो गई है इसमें, जानवर कुत्ता गाय सब इस सब जगह पे मरे हुए हैं, पूरा बदबू दे रहा है, पूरा महक रहा। प्रशासन की कोई सुनवाई हो नहीं रही है इसमें, हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। गाय को क्या तकलीफ है आपको? गाय को खाने का कोई व्यवस्था नहीं सर, आप लोग कुछ करिए इसको व्यवस्था। जानवरों के पावर आदमी खाता है तो कहीं भी नुका के रहता है, बाकी जानवर को कोई उपाय नहीं। तो क्या सरकार से क्या अपील करते हैं? कुछ खाने पीने का गाय को उपाय करा जाए, से सर उससे कुछ गाय उ के हड्डी बचेगा तो गाय फिट होगी। तो देखिए, मवेशी भी बहुत सारे इस इलाके में फंसे हुए हैं और उनके जो पशुपालक हैं उनका कहना है कि सरकार जो इंसान है, जो आम लोग फंसे हुए हैं उनको तो राहत जो है वो सामग्री दे रही है, लेकिन जो जानवर फंसे हुए हैं उनके लिए, पशु चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और इस वक्त राजेंद्र नगर में जितने पशुपालक हैं वो भी काफ़ी पीड़ा और दर्द से गुजर रहे हैं और ऐसे में ज़रूरत है सरकार को उनके तकलीफ़ की, उनके हालात को समझने की, ताकि उन पशुपालकों के जो पशुधन है उसकी भी रक्षा की जाए। और इसके लिए भी पटना नगर निगम और जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। नवनीत कुमार, द एचडी न्यूज़, पटना।